उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ 3 केस आए हैं, जिससे साफ है कि उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 नए मामले आए हैं। डिस्चार्ज होने वाले की संख्या 23 है। मार्च 2020 के बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 100 से भी कम हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या अब 85 है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड संक्रमण की किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में 44 जिले ऐसे हैं जहां कोविड संक्रमण का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। अब तक प्रदेश में 8,21,45,330 सैंपल की जांच की जा चुकी है। गौरतलब है कि यूपी के 75 में से 42 पूरी तरह से कोविड मुक्त है। इनमें जिला अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फारुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासजंग, कौशंबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, मौनपुरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, संत कबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव और सोनभद्र शामिल है। इन जिलों में अब ना तो कोरोना का एक भी मरीज है और ना ही यहाँ कोई नया मामला आया है। इतना ही नहीं, राज्य के 17 जिलों में सिर्फ एक एक ही कोरोना मरीज है। संभावना है कि जल्द ही ये जिले भी कोरोना मुक्त हो जाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।